कोई लोग इधर से आए। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम लोग आए थे हरिहर फोर्ट घूमने, जो कि नासिक में स्थित है और काफ़ी फेमस और काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये। और दोस्तों, यहाँ का जो रास्ता था और नज़ारा है जो बहुत ही शानदार है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और हमें रास्ते में दिखा माता जी का मंदिर, तो हम उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप आओगे यहाँ पर फोर्ट के पास पहुँचोगे, तो आपको यहाँ से अंदर जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। और फिर दोस्तों, आपको बाइक पार्किंग का भी 20-20 रुपये देना पड़ेगा, पर बाइक 20 रुपये। तो हम लोग ने भी अपनी बाइक पार्क कर दी थी और बढ़ते हैं फटाफट फोर्ट की तरफ। और दोस्तों, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ने के बाद ये नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और दोस्तों, यहाँ का जो रास्ता है थोड़ा डेंजरस है, तो आप कभी भी आना तो मतलब थोड़ा ध्यान से ही चढ़ना, क्योंकि यहाँ पे फिसलन का डर बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। पहाड़ काट के दोस्तों यहाँ पे मतलब रास्ता ये बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए। और दोस्तों, हमें अभी वहाँ पे एकदम ऊपर जाना है, जो पहाड़ अभी आपको एकदम ऊपर दिख रहा है, एक दो आदमी भी छोटे छोटे दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो वहाँ ऊपर चल के एकदम पूरा अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों को। बने रहना हमारे ब्लॉग में। और कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग दोस्तों, आप कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और नज़ारा तो जो था ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में। आपको कैसा लग रहा है आप भी बताना ज़रूर। जैसा कि दिख ही रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, कि उस सीढ़ी से लोग उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, बहुत ही डेंजरस सीढ़ी है दोस्तों। और कितना डेंजरस रास्ता है दोस्तों, आप लोग को दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मदद से ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ पे, थोड़ा भी अगर दोस्तों डिसबैलेंस हुआ तो सीधा हम लोग नीचे गिरेंगे खाई में, इसलिए बड़ी सावधानी से चढ़ें। तो दोस्तों, फाइनली हम किले के दरवाजे तक पहुँच गए हैं और आगे का सफ़र भी अभी हमें तय करना है, तो बने रहना हमारे साथ हमारे ब्लॉग में और दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो दोस्तों, और भी डेंजरस होने वाला है, यहाँ से मेन चढ़ाई है फोर्ट पे जाने के लिए। और जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि कितना डेंजरस रास्ता है यहाँ पे। और दोस्तों, अगर इस फोर्ट की ऊँचाई के बारे में बात करें, तो इस फोर्ट की ऊँचाई है 3,676 फीट ऊँचा है दोस्तों ये फोर्ट। और यहाँ से नीचे देखने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था दोस्तों, एकदम डरावना। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे हम लोग। और दोस्तों, ये किले का जो दीवार वगैरह था ना, वो आधा टूट चुका था अपने आप ही। और फाइनली दोस्तों, हम लोग ऊपर पहुँच गए थे। और बस दोस्तों, अभी फाइनली स्टेज बचा है हमको ऊपर चढ़ने का, मेन सबसे ऊपर जो है। और यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा था यहाँ पर दोस्तों, तो फटाफट चलते हैं एकदम ऊपर की ओर। तब तक आप बने रहना हमारे वीडियो में। और फिर हमें ऊपर चढ़ने के बाद दोस्तों एक बजरंगबली का मंदिर दिखा, तो अभी हमें दोस्तों वो पहाड़ पे जाना है, वहाँ पे जहाँ पे आपको भगवा कलर का झंडा दिख रहा है, तो पहुँचते हैं वहाँ पर फटाफट। और दोस्तों, यहाँ से पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता कितना डेंजरस है वो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। हम लोग एक दूसरे की मदद से ऊपर चढ़ रहे थे और थोड़ा भी अगर गलती से पाँव फिसला दोस्तों से सीधा नीचे। तो आप कभी भी आना तो एकदम ध्यान से ही चढ़ना दोस्तों। और फाइनली दोस्तों, हम पहुँच ही गए एकदम ऊंची चोटी पे। और यहाँ पे पहुँच के हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे भी लगाए, शिवाजी जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। और दोस्तों, ऊपर चढ़ने के बाद कुछ यहाँ का नज़ारा कुछ दोस्तों कुछ ऐसा दिख रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। चारों तरफ खाई खाई, बीच में हम थे दोस्तों, बहुत ही मस्त नज़ारा लग रहा था और डर भी लग रहा था।
और दोस्तों यहाँ किले के बाजू में दोस्तों हमें एक छोटा सा घर जैसा दिखा जिसमें केवल दोस्तों खिड़की थी और उसी में से अंदर और बाहर आने जाने का रास्ता था। तो दोस्तों फटाफट जाके देखते हैं अंदर कैसा सीन होने वाला है। और हमारे दोस्त लोग भी चले गए तो मैं भी जाकर देखता हूँ क्या सीन है अंदर का। और अंदर कुछ खास हमें देखने के लिए नहीं मिला, बस अंधेरा जैसा था और दीवार पे कुछ नाम वगैरह यहाँ पे लिखे हुए थे और कुछ इतना खास नहीं था दोस्तों अंदर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बस दोस्तों हमारा ब्लॉग ख़त्म होने वाला है और यहीं तक था हमारा ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना ज़रूर। और दोस्तों ये पार्ट वन था हमारे ब्लॉग का, ये केवल ऊपर पहाड़ तक चढ़ने का था। और दोस्तों हम पार्ट टू भी बनाएंगे इसका नीचे उतरने का। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करके बताना ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।